ए, तू मुझे बताएगा, मुझे क्या बोल रहा है? भाई पर भरोसा किया तो उसे खत्म करके आना चाहिए था। अपनी शक्ल देख, मंत्री बनेगा। इस बार हम कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते भाई, सोच समझ कर फैसला करना होगा। अभी सोच कर क्या फायदा, खुद के भाई पर भरोसा करना चाहिए। अभी उसने आप ही को फंसा दिया ना, आपके प्यारे भाई ने। कुछ भी बोलती रहती हो, बस करो बस करो बस कर बे। देखा आपने इसे, ये मुझे डायलॉग मार रहा है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। कर रहे हो भैया, मुझ पर नाराज होकर क्या फायदा? मुझे आपके सारथी की तरह ओवर एक्ट करना नहीं आता है। कल वो सबको ठेंगा दिखा देगा और हम सब जेल की हवा खाते रहेंगे। पहले उसे ठंडा करो। ठीक है, वो तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये भी तो सोचो, उसको हथियार बनाने वाले वो सर्वेश आईएएस, उसका क्या करेंगे? ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम जीके से बात करके उसे मंत्री पद से हटा देंगे, फिर वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। चलो वो तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन उसको हथियार बनाने वाले सर्वेश्वर आईएएस का क्या करेंगे बताइए? सर्वेश्वरन का हम ट्रांसफर करवा देंगे, समझ गए? जीके इसके लिए मानेगा क्या? नहीं मानेगा तो गठबंधन करके सरकार गिरा देंगे। सरकार गिराकर? हाँ भैया, सरकार गिरा देंगे तो लोग और प्रेस वाले ये सारी बात अपने आप भूल जाएंगे। ठीक है, आप जाकर जीके से बात कीजिए, मैं इस मंत्री को दिखाता हूँ कि खून कैसे निकलता है। क्या मस्त हवा चल रही है, अच्छी नींद आ रही है सर। हेलो, कलेक्टर सर्वेश साहब हैं क्या? ये क्या आवाज सुनाई दे रही है? श्रीमती सर्वेश जी बोल रही हैं। मैंने इसलिए फोन किया है कि शिवा से लड़ने वाला कोई भी चैन की नींद नहीं सो सकेगा। मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके सर्वेश साहब सेलम से चेन्नई गाड़ी में जा रहे हैं। अच्छा छोड़िए ये सब, कल सुबह टीवी में न्यूज देखना नहीं भूलिएगा, तभी पता चलेगा कि मुझसे टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। अरे आगल कहीं का। सुनो ए डॉक्टर, अरे डॉक्टर इधर सुनो। वो डॉक्टर क्या कहा हमारे भाई से? आपको सच बताऊं? हाँ बताओ। ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूँ। आपका सारथी कभी भी मर सकता है, क्योंकि उसको ब्रेन ट्यूमर है और वो भी लास्ट स्टेज पे है। Oh!
साहब जी। ओ सारथी आओ, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे और शिवा के बीच क्या लफड़ा है? साहब जी मुझे पद से हटाने के लिए तमिल सेवा और जग्गू रानी आप पर दबाव डाल रहे हैं सर जी। बस यही बात है, जानता हूँ साहब जी, आप मुझे सिर्फ एक दिन के मुद्दे। सारथी IAS की रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है, देश में क्या चल रहा है मैं भी जानता हूँ। तुम दोनों उसको संभालोगे या फिर सरकार को डुबा दोगे ये बताओ। चीफ मिनिस्टर की यही समस्या होती है सर, कोई जिए या कोई मरे क्या फर्क पड़ता है, हमारी सरकार नहीं डूबनी चाहिए। अब तुम भी मजाक करने लगे यार। मेरा कहने का मतलब ये था, एक मिनट आप बाहर जाएंगे? हाँ बैठो बैठो। सर वो बैठो, क्या है कि पार्टी में कुछ गड़बड़ हो गई है। भाई आपका फोन। कौन है? अरे बोलना किसका फोन है। CM ऑफिस से। हेलो नमस्ते, क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है शिवा? तुम सारथी को गुंडे भेजकर मरवाना चाहते हो ऐसा कह रहा है वो? काहे को फोन दिया मुझे? साहब कैसी बात कर रहे हैं, अपनी पाली हुई बकरी की बिरयानी मैं कैसे बना सकता हूँ, ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं। उस लड़के को कोई भी अनुभव नहीं है, कोई भी कुछ भी बताकर मुझसे दुश्मनी करके मेरा नाम खराब करना चाहता है। सारथी बगल में खड़ा है शिवा, तुम चाहो तो उससे ही बात कर लो ना। सारथी आपके बगल में खड़ा है, आप उसे फोन दो, मैं बात करना चाहता हूँ। अरे सारथी शिवाजी तुमसे बात करना चाहते हैं, ये लो बात करो। नेताजी क्या है, क्या समस्या है बताओ। समस्या नहीं है नेताजी, वो आपका मेरे साथ इतना सपोर्ट है, मैं भला आपके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ नेताजी, सोचिए ना आप जरा प्लीज। आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि अनुभवी लोगों की बातें माननी चाहिए। चलो मैं संभाल लूंगा, जीके को फोन दो। जी जी अच्छा नेताजी, एक मिनट नेताजी, एक मिनट। सुनो भाई, वो सारथी जो है ना उसे रूम में बिठाओ और उससे कहो कि मैं बाद में आकर बात करता हूँ। यस। हाँ तो शिवा तुम दोनों मिलकर ये सारथी को इज्जत क्यों नहीं दे रहे हो यार, उसे मरवाने की क्यों सोच रहे हो, पार्टी का बहुत नुकसान होगा। अरे साहब जी ये छोटी सी बात है, ऐसी बातें आप तक नहीं पहुँचनी चाहिए। तो ठीक है, अब तुम लोग ऐसा करो, एक प्रेस मीटिंग रखो और मीडिया को बुला के तुम दोनों के बीच में कोई भी कड़वाहट नहीं है ऐसा हंस के बोल दो। साहब प्रेस मीटिंग में? मेरी बात नहीं मानोगे शिवा? अरे आप राजनीति के चाणक्य हैं, ये बात आपको पता नहीं है क्या, कल के प्रेस मीटिंग में आप देखना मेरा कमाल। शिवा आप लोगों पर मुझे पूरा भरोसा है, तो ऐसा वैसा कुछ मत कर देना। तुम और बहन रानी मेरे खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखने वाले हो, ऐसा मत होने देना। भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा, जाने दीजिए। हाँ ध्यान रखना। भाई एक बात बताइए, वो जी के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाएगा क्या, बताइए। मैंने ऐसा बोला क्या? एक तीर से दो शिकार करेंगे, एक तरफ सारथी हमारी जाल में फंस जाएगा और सरकार डूब जाएगी। कल सुबह का पेपर पढ़ लेना, सिर्फ हमारे ही न्यूज होगी। ए, चलो रे नारियल तोड़ो। टीवी देखा क्या, जग्गू रानी अविश्वास का प्रस्ताव लाने वाली है। देखो इस समय हम लोगों का जो भी फैसला होगा वही फैसला तमिलनाडु का भविष्य तय करेगा, समझ गए? जाकर हमारे लोगों को समझाओ। हमेशा मेरा साथ देने वाले सारे प्रेस वालों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। परछाई की तरह हमारे साथ खड़े रहने वाले हमारे भाई कुछ गलत लोग जानबूझकर हमें अलग करना चाहते हैं, इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर अलग अलग तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। इन सारी अफवाहों को दूर करने के लिए हमने ये प्रेस मीटिंग रखी है। क्या सच है और क्या झूठ है अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, भाई सारथी आपको सब कुछ बता देगा। सब कुछ बता दो क्या नेताजी? सब कुछ सच सच बता दे। पक्का सब कुछ बता दूं? अरे बोला ना सब कुछ बता दे। ठीक है, यहाँ आए हुए सभी प्रेस वालों का मैं स्वागत करता हूँ। कीड़ों की दवाई के घोटाले में मुझे साइन करने के लिए नेताजी के लोगों ने मुझसे कहा था, मैं बोला इनकी बात कैसे, एक पेटी दी लेकिन मैंने मना कर दिया, फिर उन्होंने मुझे दो पेटी का लालच दिया तो फिर मैं मान गया। अब आप ही बताइए पैसे की दो पेटियां वाला किसी को बुरी लगती है क्या? क्या नेताजी आप लोगों के लिए कमाल का खाना तैयार किया है, आप लोग जाके खाना खा लीजिए, फिर हम सब कुछ बता देंगे क्या सच है क्या झूठ है। चल चल आप लोग खाना खा के आइए। चल तू देखिए मैंने आपसे कहा है ना ये फाइल लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। नहीं यहाँ पर नहीं हो पाएगा, मुझे पता है ना। माननीय डिप्यूटी स्पीकर जी, मुख्यमंत्री जीके की उस गठबंधन वाली सरकार ने हमें धोखा दिया है, और इतना ही नहीं उन्होंने तमिलनाडु के लोगों को भी धोखा दिया है, इसलिए इस सरकार को अब हम अपना समर्थन नहीं देंगे। माननीय डिप्यूटी चेयरमैन जी, मैं तमिलनाडु के लोगों को अच्छी सरकार देना चाहता हूँ,
लेकिन मेरे साथ में रहने वाली गठबंधन सरकार नहीं चाहती कि मैं तमिलनाडु की जनता की सेवा कर सकूं। इसलिए मैं समझ गया कि मेरी सरकार किसी से डरने वाली नहीं है। मैंने इसलिए फैसला कर लिया है कि मैं अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करके दिखाऊंगा। सभी लोग ध्यान दें कि डिनर के बाद अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर फैसला होगा, उसके ऊपर वोटिंग होगी। इसके लिए सभी की वोटिंग बहुत जरूरी है, इसीलिए सभी को अपना अपना वोट डालना जरूरी है। अबे सारथी, तूने ये क्या बक दिया? क्या हो गया तुझे? हाँ सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मीटिंग छोड़ के आ गए? अरे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे इन सब का सेल फोन ले लो। अरे कुछ नहीं होने वाला। मिनिस्टर साहब, आप मेरी बात सुनिए, आपके कहने पे मैंने ये सब कुछ किया है, और उसके बाद अगर ये मेरा नाम लेता है तो मैं आपको फंसा दूंगा। सारथी, प्रेस वालों के सामने रिश्वत लेने की बात कबूल कर चुका है, फिर भी तुम लोग फंस जाओगे। मेरे ही कारण तुम आराम से मंत्री बने थे। एक काम करो, अब तुम राजनीति से संन्यास ले लो। क्यों नेताजी, जेल जाने में डर लग रहा है क्या? सारथी। अरे रे सर, जेल में जाने से डर लग रहा है ऐसा बोलकर मस्ती कर रहे हैं? अरे ये गलती किसी आम आदमी ने की है क्या जो जेल में डाल देंगे? अरे आप जैसे बड़े लोग जब गलती करते हैं तो सिर्फ पेपर में आता है सर, इसीलिए तो आज तक गलती पे गलती करते ही जा रहे हैं। अरे हाँ, हम गलती पे गलती करते जाएंगे तो क्या हुआ? लेकिन एक बात सुन लो, अगर इन्हें फ्री में एक सेल फोन दे दो तो ये जनता आपके अलावा और किसी को वोट दे ही नहीं सकती है। इस बात को किसी महान व्यक्ति ने कहा है सर, बेवकूफ लोग वोट दे देते हैं, लालच में आकर न्याय का फैसला नहीं कर पाते हैं इलेक्शन में। इसीलिए तो इलेक्शन में हर बार हम ही जीतते आए हैं। ए सारथी, ज्यादा उछलो मत, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूँ। अभी थोड़ी देर में सरकार गिरने वाली है, उससे पहले हमारी इज्जत उतारना जरूरी था क्या? अब तक तो मैडम अविश्वास प्रस्ताव ला चुकी होंगी, तुम्हें क्या चाहिए साफ साफ बताओ, चलो अंदर आओ। तो क्या पैसे देने के लिए तैयार? अरे अभी से समझ में आ गया। अच्छा बता, तुझे कितना चाहिए? 5, 10? खैर छोड़ो, 10 ले लो। आप जो डॉलर लाए हो उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 100 करोड़ है। 50-50, 50 करोड़ दे सकते हैं क्या? अरे मंजूर है तो बोलिए। मंजूर, चलो ठीक है, 50 दे दूंगा, बात यही खत्म करो। ये क्या बात कर रहे हो? अरे तुम चुप करो यार। ठीक है दे दूंगा, लेकिन एक डील है, प्रेस वालों के सामने मेरी बात बतानी पड़ेगी। डील पक्की? मंजूर है? मैंने कहा था ना ये मेरी बात मान जाएगा। बोलो, प्रोग्राम बनाने वालों के लिए है ना, बताना भाई। चलो मान गया, मान गया भाई। चलो भाइयों, अब विश्वास मत का फैसला होने वाला है। मुझे तो लगता है कि सरकार डूब जाएगी। दाढ़ी, कम हियर। ये क्या कलेक्टर साहब, आपने तो एमजीआर की जैसी घड़ी पहनी है। वो क्या है ना, अच्छा काम करने के लिए एमजीआर के रास्ते पर चलने से काम सफल हो जाता है। ये लो। हाँ दोस्तों, मिठाई और बिरयानी कैसी थी? बिरयानी तो बहुत अच्छी थी सर, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे? अब वक्त बर्बाद मत करो, मैंने जो कहा इन्हें बता दो। अरे कुछ तो बोलना पड़ेगा ना इनको। नेताजी, आप सबके सामने मुझसे सच बुलवाना चाहते हैं। ये बड़प्पन है भाई। एक और बात बताना चाहूंगा, नेताजी ने जो बात मना की थी वो बात बिल्कुल सच है, क्योंकि उन्होंने बाहर ही बता दिया था कि हम दोनों फंस जाएंगे। सही कहा। ये क्या बक रहा है तू? उनको बोलने दीजिए, ये मंत्री हैं, हमें साफ साफ बताइए। बताएंगे नहीं, साफ साफ दिखाएंगे। टीवी में आने वाले प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है सर्वेश आईएएस ने, इसीलिए तो इलेक्शन में हर बार हम ही जीतते आए हैं। क्या हो गया? ए सारथी, ज्यादा उछलो मत, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूँ। अभी थोड़ी देर में सरकार गिरने वाली है, उससे पहले हमारी इज्जत उतारना जरूरी था क्या? अब तक तो मैडम अविश्वास प्रस्ताव ला चुकी होंगी, तुम्हें क्या चाहिए साफ साफ बताओ। सेल फोन छीन लिया तो क्या हुआ, हमारे पास दिमाग नहीं था क्या? मैंने घड़ी को एमजीआर की स्टाइल में शर्ट के ऊपर पहनी हुई थी, उसमें कैमरा लगा हुआ था भाई, एडवांस टेक्नोलॉजी। रिकॉर्ड करो उसको जल्दी। मेंबर देवी नायिका की ओर से उनके साथी वोट देने के लिए तैयार हैं या साथ दे रहे हैं, इस सवाल में खुलासा करने के लिए मैं उन सबसे विनती करता हूँ। इस सभा के डिप्टी चेयरमैन जी, ये सरकार अगर गिर गई तो वापस इलेक्शन होगा, इससे राज्य सरकार को 5,000 करोड़ रुपए का फालतू खर्चा होगा। सिर्फ यही बात नहीं, ये सरकार अच्छी है या नहीं है इसका फैसला जनता करेगी। हमारे देश के लोगों की भलाई के लिए इस वक्त ये अविश्वास प्रस्ताव का लाना ठीक नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए बेफिजूल का खर्चा ठीक नहीं। हम ऑपोजिशन पार्टी वाले भी जनता द्वारा चुने गए हैं, हम लोग देश के दुश्मन नहीं है बल्कि देश को बचाते हैं। कोई भी फिजूल खर्ची करे, हम लोग ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये साफ किए देते हैं।
इसलिए मैं और मेरे साथी श्रीमान जी के साहब के सरकार का समर्थन करते हैं और उनके पक्ष में वोट देते हैं। माननीय डिप्टी चेयरमैन जी, ये राजनीतिक धोखा है, हम इस सदन से बाहर जा रहे हैं। मैंने तुझे बड़ा किया और तू मेरे खिलाफ जा रहा है, छोड़ रानी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे आप ये क्या कर रहे हैं नेताजी, ये टीवी वाले आपको टीवी पर दिखा रहे हैं, आप जैसे हंस के पोस्ट देते हैं ना, वैसे दीजिए। पुलिस पुलिस इधर आइए, मंत्री जी को एक आदमी शर्ट पकड़कर खींच रहा है और आप लोग वहाँ पर तमाशा देख रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है मुझे अरेस्ट करने के लिए? अरे आपको घोटाला करने के जुर्म में अरेस्ट नहीं कर रहे हैं भाई साहब, तो फिर हराई जी के मर्डर केस में अरेस्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, थराई जी को आखिरी बार सारथी मिला था, सारथी ही असली कातिल है, मैं सच कह रहा हूँ। आपकी बात यहाँ कोई नहीं मानने वाला। अप्रूवर बन गया है तो ये जो भी बोलेगा सच ही बोलेगा क्या? नेताजी सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप पढ़ा लिखा आदमी गलती करता है तो सोच समझ कर करता है, लेकिन आपके जैसा अनपढ़ आदमी बिना सोचे समझे करता है। मैंने सही कहा ना सर? थराई जी के मरने के आधे घंटे के बाद ही आप उसके घर पे 6 फीट लंबा हार लेकर पहुँचे। उस हार को बनाने में मेरे ख्याल से लगभग 3 घंटे का समय लगता है। क्यों, बात बिल्कुल सच है ना? इसी बात को सोचकर मुझे आप पर शक हुआ था भाई, उसके बाद मैंने एक टीम सेटअप की, टीम को आपके पीछे लगा दिया और आप फंस गए। सच्चाई सामने आ गई, अब देखो। वो हमेशा तुम्हारे साथ घूमता है ना, तुम्हारा हाफ बॉयल भाई, उसी ने तुम्हारे बारे में पुलिस को सब कुछ बताया है। हे भगवान, टाइम वेस्ट मत कीजिए, इनको घसीटते हुए ले। देखिए मैंने इनका भला किया, मेरे साथ तक आप मंत्री बनकर रहे। यू आर अंडर अरेस्ट, जाइए जाइए, तुम खुद जाकर जीप में बैठो, आप पता चल जाएगा कि कानून के कितने हाथ लंबे होते हैं। जाइए। ऐसे गलत मंत्रियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए सर। हम ये पूछना चाह रहे थे कि आप लोगों के सारे डाउट्स हम दोनों क्लियर करेंगे, ओके? मैडम जग्गू बॉय जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 मैडम जग्गू बॉय जिंदाबाद। कहाँ जा रहे हैं सर? मुख्यमंत्री से मिलने। अविश्वास का प्रस्ताव राज असेंबली में नहीं लाए हैं सर? जानता हूँ सर, लेकिन मैं उनसे किसी और वजह से मिलना चाहता हूँ। बस हो गया सर, अब आगे मैं इस पोस्ट पे बिल्कुल नहीं रहना चाहता सर। ओह, उस दिन कहा था ना कि अच्छा इंसान बनकर जीने में बहुत खुशी मिलती है, खुशी क्या होती है अब पता चला सर। सर मुझसे जो गलती हुई उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से मिलकर अपना रेजिग्नेशन देना चाहता हूँ। प्लीज स्टॉप। समझ में आ गया। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर मुझे माफ कर दीजिए, फिल्म की शूटिंग में जाना है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, अगर आप लिफ्ट दे देंगे तो अच्छा रहेगा। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको, आइए आइए। डॉक्टर आप डॉक्टर मुखर्जी हो ना? डॉक्टर मुखर्जी, हाँ, हमने हिंदी फिल्म में कई कैरेक्टर किए होंगे, आपने वही देखा होगा। हिंदी फिल्म में? डॉक्टर साहब शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, मैं मंत्री पार्थ सारथी, किसी ने मेरे सर पे पत्थर मारा था और मैं आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और आपने बोला था कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। ओह, वो कहानी है क्या? कहानी? हाँ सर, आप मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन वो सर्वेश ने आकर मुझे डॉक्टर की एक्टिंग करने को कहा और अच्छे काम के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। तो क्या आप वाकई डॉक्टर नहीं है? मैं डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ सर। सर्वेश जी के कहने पर आपने ये सब किया? हाँ सर, मैं अपने काम की कसम खा के कहता हूँ, आपके दिमाग में कोई गड़बड़ नहीं है और ना ही कोई बीमारी है, आप थोड़े दिन जिएंगे ऐसा झूठ बोलने को कहा था। मैंने अपने 40 साल के कैरियर में उस दिन एक भी डायलॉग नहीं भूला था सर, और उस दिन तो ज्यादा इंग्लिश ही डायलॉग थे। सर्वेश साहब ने मेरी एक्टिंग की तारीफ की थी और एक्स्ट्रा पेमेंट भी दिया था। एक्स्ट्रा पेमेंट दिया? तेरी तो हा? कहाँ चला गया वो? अरे कहाँ छुप गए? सर आप सच बोल रहे हैं ना? मैं अपने काम की कसम खा के कहता हूँ, सच कह रहा हूँ। वो क्या है ना सर, जब इंसान को मौत का डर लगने लगता है तो वो अपने आप सुधर जाता है सर, यही सोचकर मैंने करवाया था सर। कलेक्टर बस करो, मुझे सुधरना चाहते थे तो इतना बड़ा नाटक क्यों किया? अरे चुपचाप समझा देते कि ऐसा मत करो, इतने बड़े बड़े नेताओं के प्रवचन सुनाने की क्या जरूरत थी? अरे भाई मौत का डर दिखाकर कोई किसी को सुधारता है क्या? रोज रोज मर मर के जी रहा हूँ भाई। भाई आप इधर आओ, आपको जो पत्थर लगा था, क्या? पत्थर भी इसने मारा था? वो इन्होंने ही मारा था। तेरी तो... मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं एक आश्रम बनाकर साधु बन जाऊंगा और आप वहाँ हमसे मिलने तो... आएंगे, तभी मुलाकात होगी। इस पत्थर से नहीं मारा था सर। नेता तो नेता है वो,
नहीं किसी का है जो कुर्सी की चाहत दिल में रखता है।